लगातार चोरी के मामलों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है लगातार चोरी के मामले जो हैं हमें नजर आ रहे। तो एक ऐसा ही मामला जो चोरी का निकल कर सामने आया, बता दें आपको, मेरे साथ इस समय है रोहित भगत जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं शुक्रिया करता हूँ आपके चैनल का जो मेरे इस केस के बारे में कवरेज कर रहा है। तो आप बताएंगे कि आप रात को ड्यूटी पे गए थे अपने ऑफिस में, आपकी नाइट ड्यूटी होती है? जी मैम, मेरी नाइट ड्यूटी होती है और डेली मेरी मैक्सिमम नाइट ड्यूटी होती है। तो मैं रात को यहाँ से गया ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी पे मैंने रात को 9 बजे बाइक लगाई है अपने ऑफिस के बाहर। तो ऐसे तो हम पूरी रात ही जागे होते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन कल क्या हुआ, एक्चुअली हमने भी 1 बजे के बाद ध्यान नहीं दिया, ये चोरी हुई है 2 बजे के बाद ही, 2 से 3 बजे के बीच में। तो जैसे ही मैं सुबह उठा तो वहाँ बाइक थी नहीं, तो हमें एक्चुअली सुबह जाना होता है बच्चों को स्कूल लेने और छोड़ने के लिए। तो जैसे ही मैं सुबह निकला हूँ तो बाइक थी नहीं, तो मैंने अपने जो मेरे साथ था कुलीग था, मैंने उनसे उनको बोला कि बाइक मेरी मिल नहीं रही है। कितने बजे आप जब आप ड्यूटी नाइट ड्यूटी जाते हैं सुबह, कितने बजे आपने देखा बाहर घर आने की, आप घर ही आने के लिए निकले होंगे, कितने बजे का टाइम? हमने बच्चों को लेने जाना होता है सुबह 7 बजे। जैसे मैं उठा तो 7 बजे मैंने देखा तो बाइक वहाँ पर थी नहीं, 7:15 बजे का टाइम होगा, तो बाइक थी नहीं। तो मैंने सबसे पहले अपनी मैम को फ़ोन किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है, बाइक चोरी हो गई है, तो इसकी फुटेज भी कैमरे लगे हुए हैं हमारे वहाँ पे भी। तो मैम ने बोला आप ऐसे करो FIR दे दो। तो मैं वहाँ से सीधा गांधीनगर थाने गया। तो कहाँ पे था आपका गांधीनगर, कौन सी लोकेशन पे? हमारा है लक्ष्मी नारायण मंदिर की अपोजिट, बैक साइड लोकेशन है उसकी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का ऑफिस है। तो मैंने मैम ने बोला कि आप FIR दे दीजिए। तो मैंने FIR मॉर्निंग में ही लगवा दी, मॉर्निंग में मैंने जैसे ही मेरे को पता चला तो मैंने FIR लिख के कोई 8:30-9 बजे के करीब वहाँ पे सबमिट करवा दी ऑफिस में, मुंशी को दे दी। तो मुंशी ने बोला चलो हम इस केस पे कार्रवाई करेंगे। तो आगे भी SP साउथ ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम करते हैं, SHO साहब हैं हमारे, उनसे आगे भी केस के रिलेटिव हमारी काफ़ी बातचीत हुई, कोई भी बच्चे का केस आता है तो हम उनके पास जाते हैं और वो काम करते हैं, किए हुए हैं उन्होंने काम। तो हमने मुंशी साहब को अपनी रिपोर्ट दे दी, तो मुंशी साहब बोलते हैं कि सीसीटीवी कैमरा आपके ऑफिस के बाहर नहीं लगे थे आगे पीछे, क्योंकि आजकल तो हर एक घरों में भी, ऑफिस में ही बात करें कैमरा तो होते, हर एक घर में भी होते, तो आपकी लोकेशन में वहाँ कहीं भी कैमरा नहीं लगे थे? वहाँ पे 1-2 लोकेशन में कैमरा है, तो आपने चेक किया? एक्चुअली पुलिस के बिना कोई कैमरे दिखाता नहीं है जब तक पुलिस कोई ना एक्शन ले। तो पुलिस को सुबह 9 बजे हो गए रिपोर्ट दिए हुए, FIR की कॉपी दी हुई है, आज तो अभी तक 2:30 बजे। कोई कॉल आई आपको पुलिस स्टेशन से? मेरे को पुलिस स्टेशन से कॉल आई और ना कहीं से। तो बाइक का नंबर वैसे क्या है? बाइक का नंबर है JK02AB6302। तो जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप दोबारा से, मैं बाइक का नंबर है ये रोहित भगत जी आपको बताएंगे, तो आप नोट कर सकते हैं। दोबारा से बताइए क्या नंबर है? बाइक का नंबर है JK02AB6302, पैशन प्लस ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू कलर। बात यहाँ रोहित जी की एक ही बात है हमारी इनके साथ बात, इनका यही कहना है कि चलिए बाइक तो चोरी, मगर बाइक ये जो चोरी हुई है इनके पिताजी की जो है आखिरी निशानी है। जी बिल्कुल, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, क्योंकि मैं छोटा था, सा था, 2004 की बात है, तब मैं कोई मेरे आईडिया में 7th-8th पढ़ता हूँ, तब की बाइक है। तो आज 2024 है, मतलब 20 साल हो गए। मतलब अगर ये आपकी अपनी बाइक होती, एक मिनट के लिए मैं बोल रही हूँ, आपको इतना दुख नहीं होता जितना अभी आपको हो रहा है? एक्चुअली बाइक का क्या है, बाइक तो बंदा ले लेता है दोबारा, लेकिन ये यादें जुड़ी होती हैं पिता के साथ। एक्चुअली मेरे फादर साहब भी एक्सपायर हो गए, 6 साल उनको एक्सपायर हुए हो गए, तो उनकी यादें जुड़ी थी इस चीज़ के साथ। तो मैं नहीं चाहता था कि ये हमारी बाइक जो से गुम कोई ले जाए या कुछ हो जाए, क्योंकि मेरे से हैं कि जल्द से जल्द अगर बाइक जो है प्लीज जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि पता लग सके। क्योंकि देखिए अगर बात करें कि ऑफिस के वहाँ बाहर कैमरे की या और भी आगे पीछे कैमरे अगर वहाँ पे चेक किया जाए तो पता लग सकता है कि बाइक कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, पूरा वहाँ पता लग सकता है। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन में उन्होंने FIR करवाई है, तो जल्द से जल्द इस मामले की है जो कार्रवाई की जाए। साथ में हम आपको बता रहे हैं कि लगातार इस तरह के मामले भी जो हमें देखने को मिलते हैं कि स्कूटी बाइक रात के टाइम पे क्या दिन में भी चोरी होती है, मगर इसका कारण जो है मेन आज दिन तक ये समझ में किसी को नहीं आया। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है चोरी ज़्यादा हो रही है, हमारा कहना नहीं लोगों का, कहीं आपको लगता है आज भी कि 370 टूटने के बाद हमारे जम्मू में जो चोरी है आज भी कहीं ज़्यादा हो रही, नशा भी ज़्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं बाइक चोरी करना या स्कूटी चोरी करने वाले
कौन हो सकते हैं फतेहतर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि आज 370 टूटने के बाद काफ़ी क्राइम रेट भी बहुत बढ़ गया है, रेप एक्चुअली रेप भी बहुत हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के, और चोरी के मामले, चोरियां और नशा ज्यादा बढ़ गया है। तो कहीं आपको लगता है कि चोरी जो कर रहे हैं स्कूटी बाइक तो वो ये वही कर रहे होंगे नशे के चलते, जो नशे करने वाले होंगे? जी जी ये बिल्कुल, ये जो नशे करने वाले ये उन्हीं का काम है, क्योंकि उनको जब नशा पूरा नहीं होता है तो वो आ जाके चोरियां करेंगे, या अपने घर में भी करते हैं कई लोग, घर में भी करते हैं। ड्यूटी जाते हैं आप ऑफिस में, तो आपको आपकी लोकेशन में कभी ऐसे दिखा कि बाहर का कोई अन्नो बंदा वहाँ पे आया हुआ है, कोई आपको एक्टिविटी दिखी कभी ऐसा लगा? एक्चुअली कभी मैं रात को नशे की बात करें, नशा बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, और हमने भी देखा है अक्सर, हमने भी आप लोगों के आगे अपने चैनल के माध्यम से खबर रखी, लोगों से रिकवरी भी हुई है, बाइक स्कूटी हुई है, और वो मैक्सिमम वही लोग निकलते हैं जो नशा करते हैं। तो कभी आपको अपनी लोकेशन में दिखा कि यहाँ पे एक्टिविटी हुई है बाहर का कोई? लेट नाइट तक, क्योंकि हमारी नाइट ड्यूटी होती है, मैं लेट नाइट तक 3-4 बजे तक वहाँ पे मैं बाहर होता ही एक आधा चक्कर लगाते रहता हूँ आधे आधे घंटे के बाद, तो कभी ऐसा दिखा नहीं कि कोई ऐसा कोई पर्सन जो बाहर, क्योंकि वो रास्ता ऐसा चलते रहते हैं लोग 12-1 बजे तक, तो वो वहाँ के लोकल लोग हैं जो वो वॉक के लिए निकलते हैं, खाना खाने के बाद वॉक के लिए निकलते हैं, तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ से भी कुछ ऐसा हो सकता है चोरी का मामला। तो ये तो मेरे को एकदम से झटका लगा कि कभी सोचा नहीं था कि ऑफिस के बाहर से कैमरे के नीचे से ही चोर गाड़ी चुरा के लेके जाएंगे, ये तो बड़ी हैरानी की बात हुई मेरे लिए कि बाइक चोरी हो गई रात। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं दोबारा से आप लोगों को जो है बाइक का नंबर बता देती हूँ कि देखिए आपको भी पता है ऐसे मामलों में, ऐसे केसेस में और कोई नहीं होता है, वही नशे करने वाले लोग होते हैं जो बाइक स्कूटी जो चोरी करते हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा से जो बाइक नंबर बता देती हूँ, आप लोग जो है बाइक नंबर याद रखें, अगर आप लोगों को कोई भी शख्स दिखता है उस बाइक पे तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। एक दोबारा से आप नंबर बता दें। पैशन प्लस बाइक ब्लैक एंड ब्लू कलर की, और बाइक का नंबर है JK02AB6302, और मेरा मोबाइल नंबर है, जिसको भी ये बाइक मिलती है कहीं पे किसी भी जगह पे, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9419185014, और इस नंबर पे कॉल कीजिए, और मेरे को अगर किसी को मिलती है तो मेरे को कॉल करें बताइए। देखिए मैं इनका मोबाइल नंबर है जो अपने कैप्शन में जरूर डाल दूंगी, इनका नाम भी लिख दूंगी वहाँ, मगर आप सोचिए कि चलिए चीफें जो हैं आती जाती रहती हैं, बाइक अगर गुम हुई है मिलेगी नहीं मिलेगी वो हम यही प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि उस बाइक के साथ इनकी जो है यादें जुड़ी हैं। मोबाइल नंबर लिख दूंगी, अगर किसी को भी कोई शख्स दिखता है उस बाइक पे जो है इस नंबर पे कॉल कीजिए, और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में है जो जरूर कॉल करिए। और ज़रा सोचिएगा ये हमारा कहना नहीं है, जैसे इन्होंने भी बोला, आम पब्लिक का भी कहीं ना कहीं कहना है कि 370 टूटने के बाद है जो जम्मू में जो चोरी है और क्राइम जो है ज़्यादा बढ़ा है, तो आप लोग भी अपनी राय जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या आप लोगों को भी लगता है कि आज 370 टूटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में क्राइम चोरी जो ऐसे मामले हैं निकल के इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं? और मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन से भी यही अपील करूंगी कि जितनी जल्दी हो सके, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, आप लोग कार्रवाई कीजिए, CCTV कैमरा चेक कीजिए, कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाएगा जो व्यक्ति वहां पे आया बाइक लेकर गया। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, और अपडेट्स और जानकारी के लिए जुड़े रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज के साथ। मैं हिमानी, धन्यवाद, जय।